नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास टेंथ का वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। मैं अभी आप सबको क्वेश्चन बैक 2011 से क्वेश्चन बैक 2019 तक जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव या भरने वाले यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न आए हुए हैं, मैं उसको अच्छी तरह से ट्रिकली तरीका से आसानी तरीका से सोल्यूशन करके दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो यदि दोस्तों आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं और अच्छी तरह से पार्ट बाय पार्ट वीडियो को अच्छी तरह से देखें और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छी तरह से करें। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा, ये वीडियो का पार्ट नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, जो 2016 के प्रथम यानी कि फर्स्ट सिटिंग में जो प्रश्न आए हुए थे उसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूलों का योग क्या होता है। बस सिंपल, तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा आपका होता है, सूत्र क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए यहाँ पे ए के स्थान पे ए है, बी के स्थान पे माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस यानी बी, यानी कि आपका क्या हो गया, बी प्लस हो गया। और बट्टा में ए, ए का मान तो ए ही है ना ए, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा आपका, बी बट्टा ए। यानी कि देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, ये तो सूत्र ही होता है। अब अगला कहा जा रहा है कि किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, तो इंटू में क्या होता है, बड़ा आर माइनस छोटा आर, ये तो सूत्र ही होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़ा आर माइनस छोटा आर। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जीरो जीरो। अब अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि एक चार एक पाँच बारह का माध सात है तो एक्स का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सबको जोड़ देते हैं और बट्टा में जितने अंक होते हैं उतने, चलिए मैं इसको सोल्यूशन करके दिख। तो देखिए इसमें हमने क्या बताया था, एक चार एक पाँच बारह का मान साथ दिया था, तो एक्स का मान निकालना था। तो सिंपल इस सबको पहले जोड़ दीजिए, एक प्लस चार प्लस पाँच प्लस बारह प्लस एक्स, तो जोड़िए कितना हो गया आपका, एक प्लस चार प्लस एक्स प्लस पाँच प्लस बारह, और कितने अंक हुआ, तो टोटल एक दो तीन चार पाँच, बट्टा में पाँच कर लो। ये क्या होता है, माध बराबर होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला, तो माध बराबर होते हैं ना सब, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो माध कितने दिए गए हैं, सात दिए हैं ना, तो सात भर दीजिए, तो चार एक पाँच अपान दस गुआ बारह गो कितना हो गया, बाईस गो, प्लस में क्या है एक्स, वो तो अलग जात हो गया, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बट्टा में पाँच है तो बट्टा में पाँच, बट्टा एक लगा के हम तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। तो एक से गुना करिएगा तो बाईस प्लस एक्स बराबर सात पचे कितना होता है, पैंतीस। अब क्या करना है आपको, एक्स तो पैंतीस माइनस एक बाईस उधर चला गया, कितना हो गया आपका, तो घटाइए तो तीन हो गया और एक हो गया, यानी कि एक्स के मान क्या हो गया, तेरह हो गया कि नहीं, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, तेरह। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो गया हमारा, तेरह। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया, तेरह। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है कि असंभव घटना, यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, जीरो होता है, बस सिंपल। अब अगला प्रश्न, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है। मैं तो अभी थोड़ा देर इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, क्या होता है, समान होता है, यानी कि बराबर होता है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है कि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक जब शून्य होता है, डी का मान जब शून्य हो जाता है, तो दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा सूत्र। अब अगला प्रश्न है कि बिंदु दो चार जीरो जीरो से जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो सिंपल, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जीरो में दो जोड़िएगा आधा करिए तो एक, और चार में जीरो तो चार, चार क्या था दो, तो सिंपल इसका हाफ कर देना, इसका हाफ कर दीजिए, यानी दोनों जोड़ के जीरो में दो जोड़िएगा हाफ करिए
बटा टू करिए तो एक हो गया, और चार में जीरो जोड़िएगा, चार चार क्या था, क्या हो गया दो। अब अगला प्रश्न कहा जा रहा है, सिंपल लास्ट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि रूट तीन, देखा दे रहा है ना आपका, कह रहा है कि बस रूट तीन प्लस दो रूट पाँच एक डॉटेड संख्या है। तो सिंपल ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी कभी भी अगर कहा जाए कि ये रूट में कोई अंक लग जाए, प्लस में, माइनस में, गुना में, भाग में, तो ये जब रूट से बाहर ना निकल पाए तो ये क्या होते हैं, अपरिमेय। तो ये सबको अपरिमेय बना देता है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी तीन प्लस दो रूट पाँच क्या होगा, अपरिमेय संख्या। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। अब अगले वीडियो अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।